काट रही हो भाभी? आपने उस दिन कुछ देखा था ना? मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगा कि आपने उस दिन कुछ देखा था। अभी जब पुलिस राजू भैया को अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब आई क्यों नहीं? वो पुलिस को जब मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आई। पुलिस से आप डरती क्यों हो? नहीं मालूम, पुलिस से डर लगता है। उसका कारण ही मैं पूछ रही हूँ। कुछ दिनों से आप बहुत बदल गई हैं। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चलो, राजू भैया को अरेस्ट कर लिया है। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि क्या तेरे भैया को राजू भैया पर शक है? कसम से मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कल भी राजन भैया बता रहे थे कि वाकई में कालिदास कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कैसे उनका मन बदल गया और मेरे भैया को अरेस्ट कर लिया? कितना पैसा दिया कुंदन लाल ने मेरे भैया को अरेस्ट करने के लिए? क्या बकवास कर रही हो, मेरे भैया ऐसा क्यों करेंगे? कितने पैसे दिए अरेस्ट करने के लिए? मैं पूछती हूँ, फिर क्यों मेरे भैया को अरेस्ट कर लिया गया? कुंदन लाल क्या, उसका बाप भी आकर बोलेगा तो नहीं मानूंगा। मुझे जो भी सही लगता मैं वही हमेशा करता हूँ। अगर तेरा भाई इतना सही आदमी है तो उस समय वो उस औरत के घर क्यों गया था? क्या उसको मालूम नहीं कि वो कौन है? क्या हुआ? कुंदन लाल सर आए, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। ये माला, ये बुके। दोनों कॉस्टली हैं। ये माला और बुके तो मैं समझ गया, तुम्हारा क्या काम है? स्टेट में 445 डीजीपी ऑफिसर हैं और उतने आईजी भी होंगे। उनके नीचे एसपी ऑफिसर होंगे, डीवाईएसपी ऑफिसर होंगे और इनके नीचे हजारों इंस्पेक्टर और पुलिस वाले भी होंगे और इनमें सबसे अच्छे एसआई अपने एसआई राजन सर। डबल कांग्रेट्स। अपने राजन सर शेर के औलाद हैं, नहीं तो किसकी हिम्मत थी कि पशुनाथ राजू ये भूलोक का रास्कल को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल सके। सुन, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, ये याद रखना। सुना सुना इसका कितना अकड़ है? ये ऐसे नहीं है, तुम ही तो उसको उंगली कर रहे हो ना, जाओ सामने। परशुनाथ राजू को छोड़ दो। चुप रहो। इस भीड़ में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनको उनके नाम से जानता हूँ मैं, इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ कि चले जाइए यहाँ से। चुप हो जाइए, जाइए। उसने जुर्म किया है इसलिए हमने उसको कानूनी ढंग से अरेस्ट किया है। कानून को तुम लोग मत तोड़ो। चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ तुम लोग। नेताओं के बहकावे में आकर के फ्रस्ट्रेशन में हंगामा कर रहे हैं, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने के लिए। किसको राजू चाहिए बोलो, आगे आओ सालो। अरे आदमी तो अपने एसआई राजन के जैसे ही है। हाँ थोड़ा लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत लगता है। ये कौन है ये अजीब प्राणी? मैं गुंडा हूँ, मेरा नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख, एलर्जी की वजह से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी गुंडा हूँ, मुझे एलर्जी नहीं है। तुम जाकर पूछो वो लोग किस लिए आए हैं। मुझे डर लगता है, तुम जाके पूछो। तो मैं जाकर पूछूंगा नहीं। हाँ देखो यही आ रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन किधर है? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो?
अच्छा तो नहीं बताओगे? तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। देखने में थोड़ा चोर की झलक। बोलो तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या काम से आए हो? चुप। देखो हम लोग बहुत मशहूर गुंडे हैं। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। सुनो, इसको गाड़ी में बिठाओ। अरे, अरे ओके। भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो? अरे, 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 अरे हमको जिधर मन होगा ले जाएंगे। घूसखोर इंस्पेक्टर, 5 मिनट में 500 रुपए ले लिए। आप किसी ने अगर 500 रुपए मांगे तो उसे काट काट कर मार डालूंगा। अरे पप्पू क्या बोला? हम जिसको ढूंढ रहे थे वो लॉकअप में है। उसने 5 मिनट बात करने के लिए 500 रुपए मांग रहा है। ए, किससे मिलने जा रहे हैं? अंदर लॉकअप में एक आदमी है, पशुनाथ राजू। पशुनाथ राजू। हाँ। अगर हम उसको मिलेंगे तो तुमको कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप क्यों मिलना चाहते हैं? आप लोग कौन हो? मालूम करना है? नहीं नहीं, मुझे मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं। चलो। बताओ ना यार। यार नहीं, मेरा नाम पप्पू है। छे छे, याद रखना। इधर कोई लॉज मिलेगा क्या? क्या लॉज? वो भी हमारे गांव में। सुनो, लॉज का पता काफी हमारे लिए, बाकी क्या क्या करना है वो हम सब देख लेंगे, समझे? अच्छा, वो भी चाहिए? घर चाहिए तो मिलेगा। ठीक है, घर किधर है? सुनो, इस राजू के साथ क्या रिश्ता है आपका? राजू का दामाद बनकर आने वाला हूँ, चला छोड़। हम यहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं। उस खून से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो लड़की मेरी बहन जैसी थी, बहुत सालों से मेरा एक। नहीं नहीं, मुझे पुरानी कहानी नहीं सुनी है। हम उस लड़की के खून के बारे में पूछताछ करने नहीं आए, हम तुमको इस केस से छुड़ाने आए। तुम्हारी पार्टी वाले ने हमको भेजा है। आप कौन हो? जितना पैसा मांगा पार्टी वाले ने दिया तुझे बचाने के लिए, इतना ही जान लो बस है। तुमको कोर्ट कब लेके जाएंगे? अभी तक कोर्ट लेकर नहीं गए, मुझसे सवाल पूछने के लिए। यहाँ पुलिस कस्टडी में रखा है। अरे भाई साहब, टाइम हो गया आपका, मैं आप ही से कह रहा हूँ। बड़े साहब आ गए, जल्दी जाइए। मैं सर को अब क्या जवाब दूंगा, कैसे समझाऊंगा? ये कौन है? मुझे नहीं मालूम सर, कौन है नहीं जानता। लॉकअप में उस आदमी से मिलने के लिए अनुमति किसने दिया इसको? वो सर क्या है, वो इसके बहुत अजीज मित्र हैं। बेकार में वो क्या है सर, बहुत जरूरी बात करनी थी। और सर, तुमने मान लिया? कितने मिले तुमको उपकार के लिए? सर वो कुछ इसको नहीं, इतनी हमदर्दी मत दीजिए सर, इसकी तो आदत है। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मैं यहाँ नहीं था। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारा नाम क्या है? राजा मनी। मुझे चतुर मनी भी बुलाते हैं। चतुर मनी, काम क्या करते हो? आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा। इससे मिलने क्यों आए थे? आपके ऊपर दबाव पड़ने से आपने एक झूठा केस बनाया, इसको यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या बोला? इसको बचाने आया हूँ, तुम बचा लोगे? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, उन्होंने सोच लिया तो हो गया समझो। तो दिखाओ उसको बचा कर। चलो बचाओ। ऐसा मत करो। क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा सर, लेकिन हमेशा मेरा हाथ मेरी बात नहीं सुनता है, यही समस्या है। और एक दो स्टार मिल जाने से इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं जो करने आया था करके जाऊंगा। पप्पू चलो। देखो इंस्पेक्टर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चल जाए यहाँ से, निकल। हाँ भैया, हम लोग चलते हैं।